नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लखीमपुर की लड़ाई राष्ट्रपति तक आ गई है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर आक्रामक है और इसी मामले पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधि मंडल आज राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के दो सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस देश में न्याय की उम्मीद कभी बुझनी नहीं चाहिए और आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। और अगर आप सत्ताधारी हैं, भाजपा के मंत्री हैं, तब कानून आप पर लागू नहीं होगा। तो लखीमपुर मामले पर कांग्रेस की दो मुख्य मांगे हैं, एक तो निष्पक्ष न्यायिक जांच और गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ बड़ा पैनल इस चर्चा में जुड़ रहा है। राजेश चौधरी प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, मुदित अग्रवाल जुड़ रहे हैं नेता कांग्रेस पार्टी के, साथ ही आईपी सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, फैजान खान नेता है बीएसपी के, और साथ ही शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत राजेश चौधरी जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है, इस हमलावर होने का मौका क्या आपने नहीं दिया? अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद बात यूपी से निकलकर दिल्ली तक इस तरह ना पहुंचती। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को, जो दुखद घटना हुई जिसमें किसान मारे गए, एक पत्रकार की मौत हुई और तीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई, पूरे घटनाक्रम को आप शुरू से लेकर के अब तक देखेंगे। घटना घटी, घटना के बाद बैठ करके किसानों के बीच में बात हुई, किसान नेता राकेश टिकैत वहां रात में पहुंचे, उन्होंने तीन चार मांगे रखी सरकार के सामने। पहली, एफआईआर दर्ज हो और नेम्ड एफआईआर हो। एफआईआर दर्ज हुई, नेम्ड एफआईआर दर्ज हुई। उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग बनाया जाए, न्यायिक आयोग बना दिया गया। उन्होंने कहा एसआईटी का गठन कर दिया जाए, एसआईटी गठित हो गई। उन्होंने कहा परिवारों को मुआवजा दिया जाए, मुआवजा दे दिया गया। उन्होंने कहा कि जो न्यायिक आयोग बनाया है उसका टाइम बाउंड किया जाए, टाइम बाउंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दोषी है तो मुख्यमंत्री के बेटे को अरेस्ट किया जाए, वो गिरफ्तार हो गया। सरकार जितनी गंभीर इस केस को लेकर के शुरू से लेकर अब तक रही है, उस गंभीरता में कोई कमी नहीं है। अच्छा, रही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की बात, तो ये तो राजनीति करने के लिए निकले हैं। कांग्रेस की जमीन कहीं है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब वो लाशों पे उनको राजनीति करनी है तो वो अपना दिल्ली, लखनऊ, लखीमपुर, रायबरेली सब जगह मारे मारे घूम रहे हैं, जमीन कहीं नजर आ नहीं रही है। तो कह रही है कि आप लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। मुदित अग्रवाल जी, देखिए, जो अजय मिश्रा जी हैं, जो जूनियर होम मिनिस्टर हैं, आपको उनका स्टेटमेंट याद होगा, उन्होंने कहा था मैं इनको दो मिनट में ठीक कर दूंगा किसानों के लिए, वो ये बोले थे। तो ये एक परिप्रेक्ष्य है। उसके बाद उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी और किसानों की मर्म हत्या की दर्दनाक, तो देखिए, तो उनको तो रिजाइन करना चाहिए। वो देश के होम मिनिस्टर है, जूनियर होम मिनिस्टर है, तो क्या कोई इंक्वायरी जो होम मिनिस्टर के बेटे के विरोध में है, क्या उनकी सीट पे रहते हुए हो सकती है? ये सोचने की बात है। तो रिजाइन करने में दिक्कत क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आती क्या रीजन है रिजाइन ना करे। देखिए, मैं रीजन बताता हूँ। मोदी जी की नीति हमेशा किसान विरोधी रही है। जब ये किसान बिल तीन आए थे, उन्होंने बिल के आने से पहले किसानों से बातचीत नहीं की। जब राज्यसभा में बिल पास हुआ, ऑपोजिशन कांग्रेस ने ये मांग की कि डिविजन हो, उन्होंने डिविजन किया नहीं। 10 महीने से किसान बैठे हैं, उनकी कान पे जू तक नहीं रेंग रही। और वो क्या है, देखिए, किसान जानते हैं इस बिल के आने से एमएसपी धीरे धीरे बीजेपी खत्म कर देगी, मंडी खत्म कर देगी। उसके बाद जो मोदी जी के अमीर दोस्त हैं, इंडस्ट्रियल दोस्त हैं,
उनकी मेहरबानी से जो छोटा हमारा किसान है वो अपनी जमीन पे बंधुआ मजदूर बन जाएगा। मोदी जी ने अपनी पार्टी में एक सिग्नल दे रखा है कि मैं किसानों की बात नहीं सुनूंगा, और ये मैसेज नीचे तक चला गया है बीजेपी में। तो जो उनके डिस्ट्रिक्ट के वर्कर है, जो एमपी है, एमएलए है, वो अब किसानों से बदला निकाल रहे हैं, और क्योंकि किसान मोदी जी की बात नहीं मान रहे वो उनकी हत्या पे भी उतारू हो गए हैं। तो बिल्कुल जो राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बोला है कि इंक्वायरी होनी चाहिए सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर, वो होनी चाहिए, और अजय मिश्रा जी को रिजाइन कर देना चाहिए। देखिए अभी बीजेपी कितना डरी। आईपी सिंह जी, कांग्रेस ने ये लखीमपुर का मुद्दा लपक गया, लेकिन समाजवादी पार्टी कहां है, उससे चूक तो नहीं हो गई बहुत भारी? उत्तर प्रदेश में जनराज है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में से हूँ, में बैठा हूँ, पीने से तर बतर हूँ, बिजली नहीं आती। आज अष्टमी है, सर आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, प्लीज इस कनेक्शन को दुरुस्त करवाइए, मैं आपके पास दोबारा आने की कोशिश करूंगी। फैजान खान बीएसपी से हमारे साथ जुड़े हैं। फैजान खान, इस पूरी लड़ाई में बीएसपी किधर है? प्रीति जी, बीएसपी इसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर है और इसी भारत की जमीन पर है। ये हो सकता है कि आप लोग हमें ज्यादा फोकस नहीं करते, इसलिए नहीं दिखा होगा, वरना 11:30 बजे रात को जिस दिन ये जघन्य अपराध होता है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी उसी रात निकलने को निकलते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद जब प्रशासन के द्वारा सबको अलाउ होता है विपक्ष को वहां जाने का, तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी भी वहां जाने का काम करते हैं और सबके साथ संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन इन चुनावों में आप जो सोच समझकर लखीमपुर मुद्दे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी बाजी मारती दिख रही है। देखिए, अगर वो कांग्रेस पार्टी विपक्ष से ज्यादा बाहर निकलकर अगर इवेंट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तो वो उनका अपना स्टाइल हो सकता है, राजनीति हो सकता है। आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने साफ तौर से लखीमपुर की घटना होने से पहले भी, जब 10 महीना किसान हमारे भाई धरने में बैठे थे, उस वक्त भी इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में जैसी बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है, तीनों काले कानून हम वापस कर लेंगे। और लखीमपुर की जब घटना होती है, आदरणीय कुमारी महतो जी ने साफ तौर से इस बात को कहा था कि इसको जब तक मंत्री रहेंगे पद पर बरकरार, तब तक बेटा नहीं हो पाएगा, गिरफ्तार नहीं सही से जांच हो पाएगा। लेकिन बुआ बबुआ जब साथ थे तब तो कुछ हो नहीं पाया। फैजान खान जी, अब आप कह रहे हैं कि अकेले जो आप अपनी नैया को पार लगाएंगे और आप सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, वाकई में इस बात में अगर सच्चाई होती है आने वाले वक्त में, तो ये बीएसपी के लिए एक बड़ी लीड होगी। लेकिन मैं वापस आईपी सिंह साहब के पास जाना चाहूंगी। आईपी सिंह साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब है, उत्तर प्रदेश जल रहा है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बिजली आती नहीं है। मैं पूर्वांचल में आजमगढ़ से हूँ, आजमगढ़ में आज अपने आवास पर हूँ, देखिए किस तरह की आज अष्टमी है, कल नौमी, परसों दसवीं है, हालात बिल्कुल खराब है। और ये सरकार एसआईटी गठन की बात करती है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे उन्नाव मामला हो, चाहे उसके बाद हाथरस हो या बलरामपुर हो, कानपुर का मामला हो या बाराबंकी, सब जगह एसआईटी सिर्फ सरकार को, योगी सरकार को बचाने के लिए बनी थी। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो कुछ नरसंहार लखीमपुर में हुआ उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जरा सा भी आंच आएगी तो ऐसे लोग चिमटे से नहीं छुएंगे, और गृह मंत्री बार बार कहता रहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। आखिर में जिस तरह से अपोजिशन ने समूचे, मैं तो कहूंगा कि किसानों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, और हम सब सारे समूचा विपक्ष मिलकर अगर दबाव नहीं बनाता, बीजेपी तो आईपी सिंह साहब ये कहती है कि आप लोग आतंकियों को बचाने वाली पार्टी है। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी। शिवम, क्या कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, कुछ अधूरा है जो पूरा का पूरा विपक्ष, जिसमें कांग्रेस शामिल है, बीएसपी शामिल है, एसपी शामिल है, सब कह रहे हैं कि भाई गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो तभी ये जांच निष्पक्ष हो पाएगी? प्रीति जी, अधूरा तो है, बिल्कुल है, कहीं कोई दोराय नहीं है। अधूरा है कि विपक्ष को मुद्दा नहीं मिल रहा, विपक्ष चाहता था कि लाशों पर राजनीति हो, विपक्ष चाहता था कि चौराहे पर जिन परिवारों के बच्चे चले गए उनकी लाशें रखकर इस देश में नंगा नाच हो, विपक्ष चाहता है कि उसके कंधों पर बैठकर किसी तरह से सत्ता में आया जाए। अब इसके बाद आगे आते हैं, जहां तक बात जांच की है, मैं कहता हूं आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी केंद्रीय मंत्री का बेटा नाम दर्ज रिपोर्ट हुई और वो जेल गया हो तो बता दीजिए, वरना एक जमाने में तो क्या होता था कि बेटे हैं बेटों से गलतियां हो जाती है, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है।
मुदित जी ने कहा कि धीरे धीरे ये बीजेपी एमएसपी खत्म कर देगी। मुदित भाई, क्या आप ये मान बैठे हैं कि बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहेगी? आप आकर ठीक कर देना उसको। आपके वक्तव्य से तो ऐसा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं बीजेपी जाने ही वाली नहीं है सत्ता से। इसके बाद आईपी सिंह साहब ने कहा कि बिजली नहीं है या तमाम तरह की परेशानी है। आईपी सिंह साहब, ऐसा हो सकता है कि आपने बिजली का बिल ना भरा हो, आपने बिजली का बिल ना भरा हो पहले से, क्योंकि आपका बिजली का बिल ना भरने का बड़ा पुराना इतिहास है। ये देखिए प्रीति जी, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मुझे बोलने का मौका दिया जाए। देखिए दिस इज रॉन्ग, वो बड़ी शादी कम से कम बात तो रखने दीजिए उन्हें अपनी। मंत्री का इस्तीफा चाहती है और इसमें कोई नाम पर नहीं होना। मुख्यमंत्री जी, इनिशियल कमेंट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं इनसे लड़ूंगा भी। सर आपकी बारे में कोई नहीं बोला तो मुझे सर मजबूरन आपकी आवाज कम करवानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज सर। शिवम, प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समाजवादी की सरकार नहीं है जिसमें सिर्फ सैफई और भाभी जी के घर कन्नौज और लखनऊ में ही बिजली आती थी। ये सभी को बिजली मिलती है, सभी जगह मिलती है। अगर आपने बिजली का बिल नहीं भरा, बात दूसरी है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है, कांग्रेस को सिर्फ ये समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ फोटो ऑप या फिर हाथरस का मसला रहा हो, चाहे यहां पर रहा हो, सिर्फ फोटो ऑप करने से आपको वोट नहीं मिलेंगी। आपको जनता के बीच में 365 days 24/7 रहना पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे, तब जाकर जनता कहीं आपको एक्सेप्ट करेगी। जहां तक समाजवादी की बात है, मेरा मानना है कि मेहनत तो वो लगातार अच्छी करते हैं, जनता तय कर लेगी कि वो क्या होने वाला है। आईपी सिंह साहब, लाइट है कि नहीं आपके यहाँ? आप बोल लीजिए। त्योहारों पर बिजली नहीं देते? नहीं नहीं, अभी आप बताइए, अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके घर में बिजली है कि नहीं है, बिजली के हाल क्या है ये बताइए जरा दर्शकों को। कहाँ बिजली है? ये इन्वर्टर से लाइन चलाकर मैं आपके सामने बैठा हूँ, अवसर बैठा हूँ। जवाब दीजिए राजेश शांति जी, जवाब दीजिए। देखिए आपकी विपक्षी पार्टी के नेता आपके मुंह पर कह रहे हैं कि लाइट नहीं है और बिजली है, ऐसे आप दोबारा सपना देख रहे हैं वसत्ता में आने का? आप चलिए जवाब तो लीजिए। आप बेरोजगारी में 24 घंटे बिजली, उस समय 4000 मेगावाट का उत्पादन होता था, 38000 मेगावाट का उत्पादन होता है। ये लोग कानून ऑर्डर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री की मांग के नीचे 6 महीने तक ये गिरफ्तार नहीं कर पाए थे बलात्कारी को। 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई, इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया। और ये पहली सरकार है जिसने मंत्री के गृह मंत्री राजयोगी के बेटे के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं किया और उसको गिरफ्तार हुआ। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ जीरो टॉलरेंस है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पर 6 महीने तक पुलिस उत्तर प्रदेश की गायत्री प्रजापति को मिनिस्टर को ढूंढ भी रहा है, ऐसा नहीं होता है। और ये लोग तो क्या बात करेंगे, इनके जो सर्वश्रेष्ठ नेता है वो कहते हैं बलात्कार पर लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। लेकिन राजेश जी, लेकिन राजेश जी सुनिए, अभी आईपी सिंह ने आपको कहा कि बिजली नहीं है, इन्वर्टर से काम चला रहे हैं, तब जाके वो लाइव आ पा रहे। सुनिए तो सही राजेश जी, आपने कह दिया कि तब इतना उत्पादन होता था, अब इतना होता है, ये लॉजिक नहीं है ना? आपको सत्ता में इसीलिए लेकर आए कि आप बेहतर करेंगे चीजों को। बहरहाल मैं वापस इस मुद्दे पर आना चाहती हूँ। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात होनी चाहिए। राजेश जी बात तो सुनिए, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि न्याय की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए तो ये बिल्कुल सच है, ये सिर्फ लखीमपुर पर ही उतना लॉजिक लागू नहीं होता है जितना दूसरी जगह पर हो रही घटनाओं पर लागू होता है। इस पर आप क्या कहेंगे, वाकई में उम्मीद टूटती हुई दिख रही है क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, राजस्थान में हनुमानगढ़ के अंदर बर्बरता पूर्वक किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ किसानों के साथ कितनी जघन्य घटना हुई है। वहाँ प्रियंका वाड्रा नहीं जाएंगी, वहाँ राहुल गांधी नहीं जाएंगे, वहाँ के किसान इनको नजर नहीं आते। ये केवल उस जलती हुई चिताओं में राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इनके पास जमीन कुछ है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, संगठन का ढांचा है नहीं। अब ये सोच रहे हैं कुछ इसी में राजनीति हो जाए। आप पर बीजेपी का आरोप है कि आप जलती चिताओं पर राजनीति करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता मरे हैं, उनकी मौत नजर नहीं, उनको एक शब्द आज तक नहीं बोला, उनके हत्यारे गिरफ्तार नहीं होने चाहिए क्या? देखिए राजस्थान में अगर दलित, जी मुद्दे जवाब दीजिए। हाँ मैं अभी बोलता हूँ, मैं वही बात है ना। देखिए जो शिवम जी हैं जिनको आप इंडिपेंडेंट पत्रकार कह रहे हैं, वो एक्चुअली बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कभी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह आते हैं, कभी राजनीतिक विश्लेषक की तरह आ रहे हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया था, वो हाथरस की बेटी की बात कर रहे थे। यूपी में गुंडा राज की हालत बता रहे थे, पुलिस भी उसमें मिली हुई है। ये गुंडा राज पुलिस के द्वारा किया जा रहा है योगी जी के निरीक्षण में। देखिए जब हाथरस की बेटी जी की मृत्यु हुई थी तो पुलिस ने खुद उनकी लाश
ली और बिना उनके फैमिली को दिए हुए रात के 2 बजे जला दी। ये तो हालात हैं यूपी में। अभी यूपी में आपने देखा होगा कोरोना काल में यमुना और गंगा में लाशें बहरी थी, ना वेंटिलेटर थे, ना आईसीयू थे, ना ऑक्सीजन थे। आप जो है ना, बोलने दीजिए ना, क्या है आप जो है लुटियन शैली के रहने वाले लोग हैं, जरा चुप रहे ना, चुप रहिए जरा। दिल्ली की पॉश कॉलोनी में रहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास नहीं पता, प्रॉब्लम ये है। देखिए बहुत पता है, देखिए मैं चांदनी चौक का हूँ दिल्ली से, आप सेंट्रल दिल्ली से निकल नहीं पाते, दिल्ली से निकल नहीं पाते, आप अपनी 1 करोड़ की गाड़ी से नीचे नहीं आ पाते। आप कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश का जवाब ले लेते हैं पहले। देखिए उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट जवाब लीजिए ना, आप वही काम कर रहे हैं जो दूसरे पैनलिस्ट आपके साथ कर रहे थे, ये तो ठीक नहीं है। जी मैं कर नहीं रहा, मैं प्रीति से सुन रहा हूँ, तो मैं भी बोलूंगा फिर बीच में, तो कैसा लगा? देखिए कोई एक दूसरे के बीच में वाला हूँ, सुनिए, मेरा दिल्ली में जन्म ल्यूटिन दिल्ली में नहीं हुआ था, मैं चांदनी चौक की पैदाइश है, चांदनी चौक के रहने वाला हूँ, हमारा परिवार 100 साल का है चांदनी चौक का, मेरे पैदाइश वहीं की है। अगर आपको शिवम जी मालूम नहीं तो थोड़ा मालूम कर लीजिए। और जो एरिया मेरे पिताजी रिप्रेजेंट करते वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली था, जिसमें सीरमपुर, करावल नगर, गोकुलपुर, सीमापुरी आते थे। तो जो यूपी से हमको इतिहास मत बताइए इस बारे में। देखिए इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली किसानों को एंटी नेशनल बोल दे, खालिस्तानी बोल दे, टेररिस्ट बोल दे, उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब छोड़ दिया। तब भी जब इनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने ये सोची समझी साजिश तहत इनके जो होम मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने तो खुद ही, मैंने उनको बयान आपको बता दिया, कहते 2 मिनट में इनको मैं ठीक कर दूंगा, अपने बेटे को लगा के उन्होंने हत्या करनी शुरू कर दी। तो देखिए जरूर उनको रिजाइन करना चाहिए। और जो शिवम जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको जरा थोड़ा संवेदनहीनता जो इस सरकार में, संवेदनशीलता में बदलें और लोगों का दर्द समझें। आप कोई राजा नहीं है लोगों के, आपका काम है लोगों की मदद करना, लोगों की सुनवाई करना। देखिए वो काम इनको करना चाहिए। यूपी में जैसे मैंने आपको बताया, ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना आईसीयू, लोगों की मृत्यु हुई, यमुना में लाशों का अंबार। तो देखिए मोदी जी तो मुझे लगता है कि अभी हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं हमें उस पर आना चाहिए। मैं एक बार फिर से फैजान खान का रुख करती हूं। फैजान खान जी, बहन जी कहां है इस पूरे मामले में? प्रीति जी देखिए, ट्वीट वाली राजनीति से बाहर निकलेंगी? प्रीति जी हमें भी चांस दे दीजिए, सबको आप इतना ज्यादा बोलने का मौका देते हमारे बाजू में। फैजान जी आप ही का रुख किया है, मैंने आप ही का नाम लिया है। मैं प्रीति जी साफ तौर से कह रहा हूँ कि जो लखीमपुर की घटना हुई वो एक जघन्य अपराध था। वहां पर किसानों को टायरों से नहीं कुचला गया बल्कि देश के संविधान को कुचला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। किसानों का जो ये बर्बरता किया गया है, उसी तर्ज पर जिस तरह से विपक्ष यहां पर आवाज बुलंद किया, मैं उस सारे विपक्षी दल को ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना होती है, उस तरह की घटना अगर दूसरे प्रदेशों में भी होती है तो आपको वही समय देना, वहां भी दिखाना होगा, आपको दोहरा मापदंड नहीं करना होगा। हम जब राजस्थान की बात उठाए जहां पे दलित को पीट पीट कर मार दिया गया हनुमानगढ़ी में, हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट को वहां भी स्वतः संज्ञान लेने के लिए आग्रह की, क्योंकि हमें वहां भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए आप भी एक प्रतिनिधिमंडल लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंच जाते, आप तो कहीं दिख ही नहीं रहे इस पूरे मामले में, सिर्फ ट्वीट वाली राजनीति दिख रही है आप लोगों की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी की स्टेट की यूनिट राजस्थान भी पहुंची, उत्तर प्रदेश में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में लखीमपुर खीरी भी पहुंची। अफसोस ये बात है कि हम राजनीति लाशों पे नहीं किया करते हैं प्रीति जी, हम लोग न्याय देने का काम करते हैं, न्याय मांगने का काम करते हैं और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने की मांग करते हैं और संविधान के हिसाब से न्याय मांगते हैं। ये नहीं कि संविधान तोड़कर हम न्याय मांगे। अच्छा इस तरह खुलकर बता दीजिए, लाशों पर राजनीति कर कौन रहा है? मैं अगर राष्ट्रों पर राजनीति वही कर रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिस तरह से ये यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहे हैं उसी तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, राजस्थान की बात नहीं कर रहा। हम कहना चाहते हैं जहां भी अन्याय हो, जहां भी किसान मरे, जहां भी दलित को उत्पीड़न हो, वहां पे आप उसके संवेदना प्रकट करेंगे या सिर्फ सिलेक्टिव स्टेट में करेंगे कि जहां पे हमारी सरकार है वहां डिफेंड करेंगे, जहां पर नहीं है वहां नंगा नाच करेंगे। सिलेक्टिव चुप्पी की आप बात कर रहे हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था। इधर एक बार फिर से आईपी सिंह जी, ये तो ऐसा लग रहा है बीएसपी बुआ बबुआ में कोई साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा के दौरान, रथ यात्रा के दौरान ये बोला है कि कांग्रेस को गढ़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है ताकि एसपी पीछे हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपके साथ बुआ बबुआ का कॉम्बिनेशन क्या फिर दिख सकता है? ऐसे संकेत लग रहे हैं मुझे फैजान जी की बातों से।
आईपी सिंह जी, आईपी सिंह लग रहा है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मुदित अग्रवाल, लेकिन एक बात तो तय है कि बीएसपी हो या फिर एसपी हो और बीजेपी हो, ये तीनों के तीनों इस पूरे मामले में आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग किस तरह से इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है। हमारी हमेशा नीति कांग्रेस की रही है शुरू से, और वो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की भी नीति है। जिन लोगों पे दमनकारी ताकतें जुल्म करती हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं, ये सोचने की जरूरत है। देखिए, प्रियंका गांधी जी जमा जाना चाहती थी बीजेपी सरकार, मोदी जी इतना डर गए उनसे कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया 3 दिन के लिए। वो जब उन्होंने देखा कि लोगों में वाकई में बहुत आक्रोश है, उनको छोड़ना पड़ा प्रियंका गांधी जी को, मजबूरी में हमने मजबूर किया, राहुल जी ने मजबूर किया, प्रियंका जी ने मजबूर किया कि हमें वो वहां जाने दें और परिवारों से मिलने दें। देखिए, हम तो सिर्फ परिवारों से मिलने जा रहे थे, और क्या काम था हमारा, उनके जाके उनके जख्मों पे मरहम लगाना चाह रहे थे, हम वहां जाके उनके लिए साथ मांगना चाह रहे थे। बीजेपी उससे भी बड़ी घबरा गई, लेकिन जब उन्होंने देखा तो ये भी पूछ रही है आपसे कि आप जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता मरे उनके यहाँ क्यों नहीं गए, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है और वो ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है इसलिए आप नहीं गए वहां पर। देखिए, बीजेपी के जो होम मिनिस्टर है उनके बेटे ने किसानों को कुचला, और बीजेपी के होम मिनिस्टर और बीजेपी की सारी सरकार उनको बचाने में लग गई। ये एक सच्चाई है। एक होम मिनिस्टर एक सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, जो जिम्मेदार पद पे लोग बैठे होते हैं उनको बड़े ध्यान से ये देखना चाहिए उनका आचरण कैसा है, उनकी भाषा कैसी है, और वो लोगों से कैसा सलूक करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल हम उनकी आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे, ये मेरे का कहना है। और आगे भी जो देखिए, मोदी जी से हमें और कोई उम्मीद भी नहीं है, वो एक एक तानाशाह की तरह अपने आप को समझते हैं, और वो ये चाहते हैं जो मैं चाहूं हिंदुस्तान में वो होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। आपको गरीबों की, दलितों की, जो अनएम्प्लॉयड हमारे हैं, जो गरीब लोग हैं, उन सबकी आवाज इनको हम सुनने पर मजबूर करेंगे, और हम लोगों के लिए इंसाफ की गुहाई करते रहेंगे, और हम मेक श्योर करेंगे वो इंसाफ लोगों को मिले, जिसके लिए गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरा विपक्ष इस वक्त इस बात को लगातार कह रहा है पुरजोर तरीके से कि आप लोग जो तय कर लेते हैं उसके दाएं बाएं कुछ देखना नहीं चाहते हैं। एक तानाशाही अराजकता वाला रवैया है आपका जनता के प्रति। देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र बड़ा प्रवचन कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हजारों सिखों को जिंदा जला दिया जिस कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर, और इनके सर्वश्रेष्ठ नेता उस समय राजीव गांधी थे, उन्होंने कहा कि कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, इनके मुंह से ये उपदेश शोभा लगते हैं क्या, ये इनको शोभा देता है? देखिए, सबसे ज्यादा ये इन लोगों को किसानों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई मतलब किसानों से नहीं है। आपको किसानों से मतलब होता तो किसान की हालत नहीं होती। 60 साल तक तो कांग्रेस ने इस देश पर राज किया है। यदि किसान की हालत खराब है तो उसके सबसे बड़े पापी और पाप के भागीदार तो यही हैं। इन्होंने ही तो अपराध किया है, उसी को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी किसी से नहीं डरते हैं मेरे भाई। डरना तो अपराधी को पड़ता है, डरना तो पड़ता है प्रियंका वाड्रा के पति को, जो किसानों की जमीन को खा जाता है, जो गुड़गांव के अंदर घोटाला करता है, जो हरियाणा की अनेकों किसानों की जमीन को हड़प जाता है, उसको डरना होगा। और योगी जी का राज है, यहाँ अपराधियों को डरना होगा, गुंडों को डरना होगा, बेईमानों को, भ्रष्टाचारियों को डरना ही होगा। तो आप ये समझिए कि ये लोग केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, इसके अलावा इनका किसी से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। और जहां पर पंजाब की राजनीति कर रहे हैं, इधर से चन्नी आ रहे हैं, उधर से सिद्धू साहब चले आ रहे हैं, तो ये पंजाब की राजनीति को यहाँ आकर के लखीमपुर में करना चाहते थे, और ये चाहते थे दंगा भड़काना, ये चाहते थे यहाँ आग लगे, दंगा भड़के, लोग मारे जाएं, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार बदनाम हो। इनका मकसद केवल दंगा भड़काना, आप लोग दंगा भड़काने की कोशिश के तहत वहां पहुंच रहे थे। अब देखिए, हिंदुस्तान की जनता को पता है दंगा फैलाने में जो मास्टर पार्टी है वो बीजेपी और आरएसएस है। देखिए, हमने तो बचपन से देखा है। देखिए, मैंने हमेशा कहा है, एक तरफ ओएसी जी है, एक तरफ बीजेपी है, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अरे चुप तो रहिए, थोड़ी देर बोलते बहुत है, शांति से सुनिए। ठीक है, एक तरफ ओएसी जी है तो इनसे बुलवा लीजिए, इनको अपनी आवाज बहुत पसंद है, इनको एंकर साहिबा से मुदित अग्रवाल से रिक्वेस्ट है कि भ्रष्टाचार के कारण से जेल नहीं जाना पड़ा इस सरकार में। राजेश जी प्लीज, बोलने का दम रखते हैं इसलिए बोलेंगे भाई।
तो बोलते रहिए ना, आपको मना किसने किया? आपको आवाज अपनी बड़ी पसंद है, बोलते रहिए, दिन भर बोलते रहिए, किसने मना किया? लेकिन दूसरे को जब समय मिलता है थोड़ा शिष्टाचार भी सीखिए या बिल्कुल नहीं बता रख रहे हैं आप ऐसी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं जो केवल और केवल राजनीति करना चाहती है, यहाँ किसी से कोई सहानुभूति नहीं है। बता दीजिए, और उत्तर प्रदेश में आप कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में आपकी क्या साहिबा, इनको अपना आत्ममंथन तो कर लीजिए। बोलिए 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 बोलिए, हो गया? मुदित बोलिए, आप चुप रहेंगे थोड़ी देर, शांति रखेंगे? मुदित बोलिए, पता नहीं, देखिए दूसरे आदमी जो बोलता है बीच में नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा इनको बीजेपी वालों को थोड़ा शिष्टाचार सिखाइए। बीजेपी आईटी सेल इनको ट्रेनिंग करके भेजती है कि दूसरा आदमी बोले बीच में बोलते रहे, ये इनकी पुरानी आदत है और सीखेंगे नहीं है, कभी सुधरेंगे भी नहीं। देखिए बीजेपी बात करती है दंगों की, दूसरे आदमी, देखिए बीजेपी ओईसी साहब का खेल बता रहे, तो ओईसी साहब बोलते हैं बीजेपी का वोट बढ़ता है, बीजेपी बोलती है ओईसी साहब का वोट बढ़ता है, दोनों आपस में साठगांठ कर रखी है। देखिए ये तो हालात है इन लोगों के। देखिए कांग्रेस ने हमेशा अच्छी सरकार चलाई है और हमेशा सब लोगों को सम्मान माना है, साथ माना है। बीजेपी ने हमेशा लोगों को लड़ा के देश पे राज किया। जहां तक मोदी जी की बात है, देखिए मोदी जी तो अपने मंत्रियों की नहीं सुनते, आप बाकी हिंदुस्तान के लोगों की तो छोड़िए। देखिए दिक्कत क्या है मोदी जी, मैं छोटी सी समझा देता हूँ। देखिए जो प्रधानमंत्री होता है, मोदी जी अपने आप को देश का मालिक समझते हैं, देश का सीईओ समझते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो देश एक पिता के समान होना चाहिए, उसका जो आचरण होना चाहिए जैसे परिवार में पिता होता है, जो सबके दुख दर्द प्रधानमंत्री है, सबके दुख दर्द सुनता है, वैसा होना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। वो माफ करना, अपने आप को देश का मालिक समझता है, जब तक वो ये सोच नहीं बदलेंगे, वो उनकी उनका जो भाषा आपकी सही नहीं करने है। का तरीका मुझे लगता है कि आपको संयम रखकर बोलना चाहिए, आप अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन मोदी जी भाषा में जिस तरह का इस्तेमाल होना चाहिए, जो जायज है, जो सुनने लायक है, वो कम से कम होना चाहिए। शिवम, आपका जवाब इन पर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुदित जी एक बहुत बड़े डिफॉल्टर आदमी हैं, पहले भी प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में बहुत गलत तरह की भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। दूसरी बात यह है, दंगों की मास्टरी किसकी, आपको बता देता हूं, 1947 में जब देश बांटा 30 लाख लोग, आपने कहा थे, अब बीच में कूदने लगे, आपको क्या बीजेपी आईटी सेल ने ट्रेनिंग दी है क्या? मोदी जी बीजेपी आईटी सेल ने ट्रेनिंग दी आपको? बीजेपी आईटी सेल ने ट्रेनिंग दी है क्या आपको? आप चुप रहिए, जरा सुनिए अभी आप बीजेपी आईटी सेल ने ट्रेनिंग दी है? बिना लॉजिक के नहीं बोल रहा, आप चिल्ला नहीं सकते, चुप हो जाइए ना। बीजेपी आप प्रीति जी, इनको सिंगल हैंडेडली अपने आप बोलना था, ममता जी ट्रैफिक चलाना था, अब ये बीच में आकर कूदेंगे? इनको कहिए कृपया करके सुने, आपसे ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर कांग्रेस से ट्रेनिंग ले ली मैंने तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपने राहुल गांधी से ट्रेनिंग ली हुई है, देखिए आपका क्या हाल है। टीवी पे प्रीति जी इनको कहिए प्लीज, इनको मौका दीजिए, मुझे, मैं चाहता हूँ कि अब मुझे बोलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उनके बीच में नहीं बोला। सबसे पहले आप इस देश में दंगों की मास्टरी कर कर बैठे हैं। 1947 में 30 लाख लोगों को कटवा दिया कांग्रेस ने, बीजेपी तो थी नहीं। 1966 में इंदिरा गांधी जी ने साधुओं को मारा। सुनिए तो सही, वो कह क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, बात तो सुनिए। आप इस तरह से इस देश में सुनिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता राजनीतिक विशेषज्ञ क्यों लिखते हैं? यू नो नथिंग, आप कुछ इतिहास नहीं जानते। और बताइए ना, आप इतने विचारधारा बनाने की जरूरत है, वो आपने देखिए, हो सकता है कि किसी की विचारधारा कांग्रेस प्रो हो सकता है किसी की विचारधारा बीजेपी प्रो, उसमें दिक्कत क्या है? सब अपनी विचारधारा को लेकर अपनी बात रखे। ये आज बाड़मेर के शिवनगर थाना क्षेत्र की घटना है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी तरह का पर्सनल अटैक नहीं कीजिए, और शिवम को हम सुन लेते हैं प्लीज, देखिए मुझे ब्रेक भी लेना है, शिवम की बात को सुन लेते हैं। जवाब दीजिए, आप हिपोक्रेट हैं, आप हिपोक्रेट हैं, आप हिपोक्रेट हैं। अरे सुनिए, अगर मैं प्रवक्ता हूं, मेरे को चिट्ठी दे दीजिए, चिट्ठी दे दीजिए लाकर, मैं भी मान लूंगा। बेकार में टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे आपके हैकलिंग पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं यहां पर प्रीति जी, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये ब्राह्मण विरोधी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के कार्यकर्ता मरे, सिर्फ वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो ब्राह्मण थे, और ये ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण विरोधी हैं, क्योंकि वैसे तो प्रबुद्ध सम्मेलन करते हैं, और बाकी जो बच्चे जिनकी डेथ हुई ना, तो उनको एक रुपए का मुआवजा दिया, 50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिए, 50 लाख पंजाब की ने दिए, जो ब्राह्मण हिंदू जो मरे, जिनकी हत्या हुई, जिनको पीट पीट कर मार दिया गया, उनको क्यों नहीं दिया मुआवजा आपने? वैसे तो प्रबुद्ध सम्मेलन करते हो, कश्मीर में जाकर कहते हो मैं कश्मीरी पंडित हूं, और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण के बेटे जो मारे गए उनके घर तक नहीं जा पाए, आपको इन्विटेशन कार्ड छपवा के देना था क्या उनको? ये फेक लोग हैं, फेक प्रोपेगेंडा करते हैं, और सिर्फ चुनाव के समय पर बाहर निकलते हैं,
और चुनावी लोगों को उत्तर प्रदेश ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। लाइन को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी के साथ आगे चर्चा को ले जाऊंगी, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। और इसके साथ ही 22 में बाइसाइकिल और नई हवा है, नई सपा है, लेकिन इस हवा को क्या कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, इस पर भी चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लखीमपुर की लड़ाई राष्ट्रपति तक आई और किस तरह से कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि हर बार खास तौर पर बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही है। मैं सीधे रुक करूंगी मुदित का। मुदित, फेक लोग फेक प्रोपोगंडा चलाते हैं और चुनाव के वक्त बाहर आते हैं, कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लग रहा है। देखिए, कौन लोग ये आरोप लगा रहे हैं? वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं जो फेकरी में माहिर हैं, जिसकी आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं, हिंदुस्तान में अगर फेक न्यूज आपको खत्म करनी है तो बीजेपी आईटी सेल को बंद कर दीजिए, उस पर लगाम लगा दीजिए। 99% फेक न्यूज, 99% फेक न्यूज हिंदुस्तान में बंद हो जाएगी। तो देखिए, हमें बीजेपी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस हमेशा से, जब से कांग्रेस की स्थापना हुई है, हमेशा से जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ा आदमी है, उसके लिए हमेशा से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहती है कि हमें बीजेपी और मोदी जी के सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है बीजेपी और मोदी जी को अपने अंदर झांक के देखने की और ये देखने की कि जो हिंदुस्तान में वो आज फेक न्यूज फैलाते हैं, जो झूठ और भ्रम फैलाते हैं, उसके बारे में उनको क्या करना है। देखिए, जब आप झूठ बोलते हैं या भ्रम फैलाते हैं, आप देश के साथ गद्दारी करते हैं, ये मुझे आप लखीमपुर तो पहुंच गए क्योंकि चुनाव है। हाँ। ये आरोप बीजेपी का है, लेकिन आप राजस्थान में गए, वहां पर जहां पर दलित की पिटाई हुई, उसके परिवार से मिले आप, कानूनी कार्रवाई कर देना भर ही क्या जिम्मेदारी है एक सरकार की। देखिए, मैं तो मोदी जी से सवाल, देखिए इसका मैं जवाब दूंगा, उससे पहले बीजेपी वालों को ये बताना चाहिए, पीएम लखनऊ तक तो गए, लेकिन वहां किसानों जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को मरहम लगाने वहां तक नहीं गए, ये मोदी जी जवाब दें। जहां तक कांग्रेस की सरकारों की बात है, देखिए कांग्रेस की सरकार में अगर कोई गलत काम भी होता है ना, सरकार उसमें शामिल नहीं होती। बीजेपी की सरकार में अगर गलत काम होता है तो बीजेपी वो गलत काम करवाती है, इसका आपको फर्क समझने की जरूरत है। अगर कोई गलत काम कांग्रेस की सरकारों में होता है, उस पर स्टर्न एक्शन लिया जाता है। कांग्रेस शासित राज्यों में अगर कुछ होता है तो सरकार कार्रवाई करती है और आप लोग आरोपियों को बचवाते हैं, यानी कि बीजेपी आरोपियों को बचवाती है, ऐसा मुदित का आरोप है। मोदी जी किसानों के परिवारों से मिले, प्लीज 10 सेकंड में लिए प्लीज रुक जाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरा आपके माध्यम से, प्रीति जी आपके शो के माध्यम से, अमित मालवे जी से अनुरोध है कि कृपया करके इस व्यक्ति को एक बार आईटी सेल पर रिसर्च करने के लिए बुला दीजिए। और मोदी मैनिया इन पर इतना है, आपको मोदी जी के ऊपर किताब लिखनी है, मुद्दे पर बात कीजिए। देखिए, मेरे बाकी पैनलिस्ट भी लगातार कुछ बोलना चाहते हैं, मैं उनके पास नहीं गई क्योंकि आप बार-बार बताना चाह रहे थे कुछ। प्लीज आप पॉइंट पर रहिए, आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि राजस्थान में ये इसलिए नहीं बोलना चाहते, यहाँ उनकी सरकार है, तो मतलब जहां आपकी सरकार है वहां का दलित दलित नहीं है, वहां के अनुसूचित जनजाति जनजाति नहीं है, वहां का किसान किसान नहीं है, वहां का मजदूर मजदूर नहीं है, वहां अगर कुछ होगा तो आप पर आंखों पर पट्टी बांध लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। आप अगर केंद्रीय पार्टी है तो अगर आपके राज्यों में कोई भी कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी ऐसे ही आवाज उठाइए ना। लेकिन शिवम, फिर सवाल तो ये भी होता है ना कि लखीमपुर में बीजेपी के कितने नेता गए, इस पर भी तो जवाबदेही बीजेपी की होती है और उस पर आना चाहिए और बोलना चाहिए। राजेश जी, इस बात का जवाब दीजिए। अगर आप ये राजस्थान का मुद्दा बताते हैं कि कांग्रेस को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, आप ये भी बताइए कि लखीमपुर में कितने बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। मैं ब्रजेश पाठक की बात नहीं कर रही हूँ, आज की घटना की बात नहीं कर रही हूँ, उससे पहले की घटना की बात कर रही हूँ, और वो भी गए हैं तो जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए लोग मरे हैं उनके परिवारों में गए हैं। लखीमपुर के अंदर सरकार का पहला काम था शांति स्थापित करने का, ये दंगा ही दंगा भड़काना चाहते थे, वहां शांति स्थापित की। दूसरा काम था जिनके साथ घटना घटी है उनको न्याय दिलवाने का, सरकार ने एकदम पूरे बारीकी के साथ जो जो ये लोग कहते थे वो हुआ, मैं पूरा घटनाक्रम पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो जांच चल रही है। कोई कितना भी बड़े से बड़ा चाहे अपराधी हो चाहे पहुंच वाला व्यक्ति हो, वहां नहीं बचेगा, जाने न जाने का एक अलग विषय। जहां तो वो रहे थे जो राजनीति कर रहे थे, ब्रजेश पाठक गए, उन्होंने जाके तो सांत्वना दिया उन परिवारों को जिनके यहाँ रॉबर्ट प्रियंका वाड्रा नहीं गई, वहां भी जाना चाहिए था। उन लोगों की मौत नजर नहीं आती है उनको, उन माँ की गोद सूनी नहीं हुई है।
वहाँ किसी महिला का सिंदूर नहीं उजड़ा है। आईपी सिंह जी, कुछ लोग बीजेपी न्याय तो दिलवा रही है, तो दिक्कत क्या है? वहाँ भिंडर वाले क्यों विपक्ष पूरा विरोध कर रहा है? नारे लगाएगा वो, इसको नजर नहीं आएगा वहाँ पर जिस तरह से दुर्व्यवहार। आईपी सिंह जी को जवाब देने दीजिए राजू जी, कार्यकर्ताओं को और पत्रकार को वो इनको नजर नहीं आएगा। राजस्थान की बात करें तो करौली में पुजारी को जिंदा जला दिया, छह दिन तक वो डेड बॉडी रख करके बैठे रहे कि सरकार का कोई नुमाइंदा। समय थोड़ा हमें भी दे दी जी, बिल्कुल। तो वो वरिष्ठ पत्रकार है, हम बड़ी अपेक्षा। सर आपकी नेटवर्क में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, प्लीज मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को रखिए, आई होप कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊंगी। फैजान जी आप बात रखिए, शायद उनसे फिर से नेटवर्क का एक दिक्कत आ रही है। फैजान आईपी सिंह जी और फैजान जी, आई थिंक आईपी सिंह जी अब आपको आवाज पहुंचने लगी जी। आईपी सिंह जी एक बात सुनिए पहले, आपने जो भी बात कही अभी सुनाई नहीं दी, प्लीज आप अपनी बात को शुरू कीजिए। की चर्चा हो, किसी की चर्चा हो जाए, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से परिवर्तन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को सुनने के लिए जनता बोल रही है, मैं अपील करता हूँ, अगर हिम्मत है तो आप दिखाइए वो फुटेज, दिखाइए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर फिर क्यों नहीं गए फिर अखिलेश, उन्हें जाना चाहिए। जिस तरह से कानपुर, उसके बाद हमीरपुर और अंजाला उनकी तरफ, उनको वही लेकर पहुंच जाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर क्यों नहीं पहुंचे वो? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर तो उनके लोग नहीं पहुंचे। अरे वो कार्यकर्ता जो किसानों के ऊपर जिस तरह से मंत्री के इशारे पर उनकी छाती पर जिस तरह से उनके अंदर संहार हुआ, जिस तरह से टायर से रौदा गया, ये जनरल डायर के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश ने देखा है। किसान आंदोलन को 8.5 महीने हो गए, फूटी आंख से प्रधानमंत्री ने नहीं देखा, फूटी आंख से योगी ने नहीं देखा। और मुझे वो दिन याद है जब योगी की पुलिस राकेश टिकैत को पीटने के लिए उनके कैंप में दाखिल हो गई थी, और वो रात फुटकर रो रहे थे। तो दिन और दिन और रात हमें याद भी याद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, किसानों के उसमें शामिल होते हैं। हमें पता है बीजेपी और बीजेपी के समर्थक पेट्रोल की कीमतों पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, और डीजल की कीमतों पर बात नहीं करेंगे, और भारतीय बढ़ती कीमतों पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, और तालिबान की बात करेंगे। असली तालिबान को किसी ने योगी आदित्यनाथ ये अजय सिंह कर दिया है, कहना चाहता मुख्यमंत्री की बना थी, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना थी, बिहार का मुख्यमंत्री बिहारी, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री उत्तराखंडी, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक उत्तराखंडी को बना दिया। क्या 25 करोड़ की आबादी में मोदी जी को एक भी उत्तर प्रदेश के लोग? आईपी सिंह जी आप जो मुद्दे हैं उस पर ना बात रख के कुछ भी कहना चाहते हैं, और विजय रात अखिलेश यादव की उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहते हैं, तो सर ये मंच उनके लिए नहीं है ना, ये आपके मुद्दे पर बात रखने के लिए। फैजान फैजान इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बीएसपी कहाँ है? मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को अपने जिसको बना के वो पद पर बरकरार रखे हैं, उन्हें या तो खुद रिजाइन कर देना चाहिए अव्वल तो ये, नहीं तो माननीय मोदी जी को उन्हें हटा देना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके, क्योंकि किसी को भी उत्तर प्रदेश में नहीं विश्वास है, ना ही देश में विश्वास है कि जब तक उनके पिताजी इस पद पर बरकरार रहेंगे कोई भी निष्पक्ष जांच हो सकता है। राजेश जी दूसरी चीज मैं कांग्रेस पार्टी से भी ये कहना चाहूंगा, जिस तरह लखीमपुर खीरी की आवाज वो बुलंद करे, उस तरीके से राजस्थान में भी वो कार्रवाई करते हुए दिखे, क्योंकि वहां भी वो दलित के साथ जब पीट पीट कर हत्या हुई तो 3 दिन के बाद FIR होता है, इससे उनकी नीयत साफ पता चलती है कि जहां पे वो सत्ता में रहते हैं
वहां उनका दलित प्रेम खत्म हो जाता है और जहां विपक्ष में रहते हैं वहां पे उन्हें सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी है, देश के हर कोने में है, जहां भी उत्पीड़न होगा बहुजन समाज पार्टी न्याय के साथ खड़ी रहेगी। देखिए बहुत जरूरी, सरकारों का काम क्या होता है, जहां कहीं अत्याचार हो या अन्याय हो तो जो अन्याय करता है, जो अत्याचार करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। देखिए ये होता है, देखिए मैं कभी ये आके नहीं कह सकता कि कांग्रेस की सरकार है उसमें कोई भी गलत काम कोई आदमी नहीं करेगा। देखिए क्रिमिनल माइंड के काफी लोग होते हैं, सरकार का काम होता है अगर ऐसे काम हुए तो कोशिश करके और इंश्योर करें कि लोगों को इंसाफ मिले। बीजेपी सरकार क्या करती है, जब इनकी सरकारें होती है इनके मंत्री के बच्चे इनके काम करें, इनके मंत्री के, तो फिर देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दो दे देता हूँ। इनके जो होम मिनिस्टर हैं उनके बेटे ने गाड़ी चलाई, गाड़ी से उसको मार दिया, चार पांच दिन तक उसको अरेस्ट तक नहीं किया इन्होंने हफ्ते तक। पहली चीज ये, जब हाथरस की बेटी के साथ कांड हुआ था पुलिस ने योगी सरकार ने पुलिस के साथ मिलकर रात के 2 बजे बॉडी चला दी, जेल के अंदर है, हमने क्या कहते हैं आप जेल में डाला आपको, तो ये दिखाता है कि ये हमेशा जो अन्याय करते हैं उनके साथ खड़े होते हैं, ये है बीजेपी में। देखिए हाथरस की बेटी को पुलिस ने रात के 2 बजे जला दिया बिना मां बाप की सहमति के, मां बाप को बॉडी देनी चाहिए थी, दी नहीं, तो ये अत्याचार नहीं है, तो ये तो बोलना चाहिए ना इनको, भड़काना चाहते। अरे दंगा भड़काने में तो आपकी महारत है, अरे आप लोगों ने तो पीएचडी कर रखी है, दंगा भड़काने में, जरा पता, जरा अपने बारे में मालूम नहीं आपको, अपनी संस्था के बारे में पीएचडी कर रखी है दंगा भड़काने में आप लोगों ने और फेक न्यूज फैलाने में। पीएचडी से ऊपर भी डिग्री होती है, वो भी आप लोगों ने कर रखी है, जरा बताइए ना, बताइए ना राजीव गांधी ने क्या बयान दिया। देखिए जैसे मैंने कहा, देखिए जैसे तो देखिए आपकी, देखिए मैं आपको आज बताता हूँ कांग्रेस सरकार ने जो सिखों के साथ गलत काम हुआ था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, सोनिया गांधी जी ने उसके लिए माफी मांगी। आप लोग दंगा भड़काने वाली पार्टी है नहीं है ये आप लोग अपना आइडेंटिफिकेशन करते रहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बयान, दो महत्वपूर्ण बयान इस पूरी डिबेट से जुड़े हुए मैं सुनवाना चाहती हूँ आप लोगों को भी और हमारे व्यूअर्स को भी, सुनिए। किसानों की बातों को कुचला गया, उनकी आवाज़ को कुचला गया, अब किसान को खुद कुचला जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है। और क्या कहती सरकार, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, किसानों को मारेंगे हम आपको पैसा दे देंगे, ये नहीं चलेगा देश में। और अभी भी जो मुजरिम है जिसने गाड़ी चलवाया, अगर चाहे ये वीडियो नहीं होता, उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था, वीडियो सामने नहीं आता तो लोग समझते कि भाई ये जो है ना उनका बेटा था ही नहीं या ऐसा, तो फोटो नहीं आती, वीडियो नहीं आता। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान किस तरह से घटनाएं होती थी, किडनैपिंग, बलात्कार, लूट, हत्या, ये आम बात थी, बेटियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता था, आज कानून का राज स्थापित है, ये सब आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं और इनको आज समाजवादी पार्टी ने अपने साथ में अगर रखा है तो ये तो मैं पहले से कहता रहता हूँ, समाजवादी पार्टी की विचारधारा ही यही है कि जो लोग आतंकी घटनाओं में जेल में हैं, जिनके नाम उसमें आए हुए हैं आतंकी घटनाओं में शामिल लोगों के, वो तो कहती है कि हम आएंगे सरकार में तो उनको हम आजाद कर देंगे। आईपी सिंह जी, बीजेपी कह रही है आप किस मुंह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लोग तो वो पार्टी है जो आतंकवादियों को ही कवर देते रहे हैं। देखिए ओवरनाइट मोहसिन रजा कांग्रेस बीजेपी में आए, देखते मंत्री हो गए तो नेचुरली उनको कुछ पता ही नहीं रहता है, उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, न उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा से उनका कोई वास्ता था। देखिए फिर आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं आईपी सिंह जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उस पर बात रखिए। मैं सच बता रहा हूँ, सुन लीजिए प्रीति नंदन जी, आप पत्रकार हैं, मैं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के बारे में आपको सब पचप पता है, लेकिन ये सब चेहरे हैं बीजेपी के, उन्होंने एक व्यक्ति को तलाश के अल्पसंख्यक के नाम पर मंत्री बना दिया और उनकी बातों को आप तवज्जो दे रही हैं। अरे मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरह से करवट बदल रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से बिजली नहीं आती है, आप उन सब मुद्दों पर बहस करिए,
हम उस पर खुलकर बात करना चाहते हैं। हम बीजेपी के प्रवक्ताओं को आमंत्रित करते हैं, ये बहस करना चाहते हैं आईपी सिंह जी इन मुद्दों पर। आप लोग पेट्रोल पर चर्चा करिए, आइए इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और बताइए कि वो जो मुद्दे हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार, आपकी मार मोदी सरकार। प्रीति जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ इनको कहिए कि यहाँ न्यूज चैनल पर बैठकर तथ्यों पर बात होती है। हाँ, न्यूज चैनल पर देखकर तथ्यों पर बात होती है। मैं तैयार हूँ, एक एक तथ्य ले आइए, बात कर लेते हैं। ये जो रैली करनी है वो अखिलेश जी रथ यात्रा पर कर रहे हैं, आपके पास कोई डेटा हो लेकर आइए। और हाँ, ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। गैंगस्टरों का मारा जाना, उनकी जमीन कुर्क होना, बिजली, पानी, सुरक्षा, हर कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन डेटा ले आइए, बिल्कुल तैयार है, रैली मत कीजिए यहाँ पर न्यूज चैनल पर बैठकर। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, मुदित जी ने कहा कि इतना लंबा समय लगा दिया किसी को गिरफ्तार करने में। अरे 30 साल लग गए थे 84 के दंगाइयों को पकड़ने में। जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार ईमानदारी पहुंचने में 30 साल लग गए थे। यहाँ 3 दिन में आपको दर्द हो गया, वहां 30 साल तक बचाते रहे आप हथियारों को। आईपी सिंह जी, ये चिल्लाने से कोई लाभ नहीं, आपके इस तरह से लगातार चिल्ला रहे हैं। आपके पास कोई डेटा हो तो बताइए, बहस करते हैं ना, ये नारे तो लगा रहे हैं। मुझे आप दोनों को यहाँ पर रोकना पड़ेगा, इस चर्चा को मुझे यहीं थामना पड़ेगा। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, लेकिन नैतिकता, कानून और मर्यादा, सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष, सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।